Hello children, welcome to your EVS video class. Children, I'm sure you are watching the videos and your work is also complete by now. Jitna main karwa chuki hoon wo aap kafi had tak pura kar chuke honge, hai na? EVS में आपको पता है कि हम पहुंच गए हैं चैप्टर नंबर 10 पर और उसका एक्सप्लेनेशन भी ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है क्योंकि चैप्टर बहुत छोटा है, काफ़ी छोटा सा चैप्टर है ये. चैप्टर है 10 मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, है ना? मैंने आपको बताया था कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है. कम्युनिकेट करने का मतलब, मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन इज शेयरिंग ऑफ थॉट्स, शेयरिंग ऑफ फीलिंग्स, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ मैसेजेस, सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ थॉट्स, ये होता है कम्युनिकेशन, है ना? कम्युनिकेट करने का मतलब है अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स को हम एक्सचेंज करते हैं. यू कैन कॉल इट एक्सचेंज. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग, इट इज़ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग थॉट्स, फीलिंग्स, मैसेजेस, इंफॉर्मेशन, दैट इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन. और ये कम्युनिकेशन थ्री वेज में हो सकते हैं, लिखकर, बोलकर और एक्सप्रेशंस के थ्रू. सबसे कॉमन होता है बोलकर. जो लोग बोल लेते हैं वो तो बड़े आराम से बातचीत करके, सामने हैं तो बात कर लिया, और नहीं भी सामने तो भी बात करके हम कम्युनिकेट कर लेते हैं. दूसरा होता है लिख कर करना, कैसे भी लिख कर अपनी बात को बताना बिना बोले. और तीसरा होता है एक्सप्रेशंस के थ्रू, अपने बॉडी लैंग्वेज, अपने फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू कम्युनिकेट करना. इसके अलावा एक साइन लैंग्वेज भी होती है. साइन लैंग्वेज, जो लोग डम डफ होते हैं, डम और डफ मतलब द पीपल हु आर नॉट एबल टू स्पीक, द पीपल हु आर नॉट एबल टू हीयर, जो हियरिंग इम्पेयर्ड होते हैं, जो लोग सुन नहीं सकते या जो लोग बोल नहीं सकते, जिनको स्पीच प्रॉब्लम है, वो यूज़ करते हैं साइन लैंग्वेज, जो ऐसे फिंगर्स को यूज़ करके होता है. ये अलग से सीखना पड़ता है. एंड जो लोग डम होते हैं, जो लोग डेफ होते हैं, वो लोग इस लैंग्वेज को सीखते हैं टू कम्युनिकेट. दैट इज़ अ डिफरेंट लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज. तो ये तीन चार तरीके हैं जिससे हम कम्युनिकेट करते हैं. नाउ कम्युनिकेट करने के वेज तो हमको पता है, लेकिन व्हाट इज़ अ मीडियम? मीडियम का फुल फॉर्म होता है मीडिया. किस तरह से हम, कौन से तरीका है जिससे हम बातचीत कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं? सपोज़ जिससे मुझे बात करनी है वो मेरे सामने नहीं है, तो मैं कैसे उसके साथ कम्युनिकेट करूँगी? चाहे लिखकर, चाहे बोलकर, चाहे जैसे भी मुझे कम्युनिकेट करना है, बट द पर्सन इज़ नॉट इन फ्रंट ऑफ मी और नॉट विद मी. तो कई ऐसे तरीके हैं जिसके बारे में हमने डिस्कस किया पिछले वीडियोस में. मैं एक बार क्विक रिवीजन आपको करा देती हूँ. हमने पहले तो कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या होता है वो एक बार रिवाइज कर दें. एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, फीलिंग्स, इन्फॉर्मेशन. ओके, दैट इज कम्युनिकेशन विथ पीपल, एक के साथ या एक से ज़्यादा के साथ. अच्छा, थ्री वेज क्या है? स्पीकिंग, स्पीच के द्वारा, मतलब स्पीकिंग, राइटिंग एंड एक्सप्रेशंस. ठीक है, स्पीकिंग, राइटिंग एंड एक्सप्रेशंस. उसके अलावा जैसे मैंने बताया कि साइन लैंग्वेज भी होती है, यूज बाय पीपल who have speech problems and people who have hearing problem, जिन हम hearing impaired बोलते हैं, तो ऐसे लोग sign language use करते हैं. अच्छा, media, जो medium की बात कर रहे थे, media की बात कर रहे थे, उसमें हमने discuss किया था, हमने postal system discuss किया था. मैं फटाफट एक बार इसका quick revision आपको करा देती हूँ so that we can proceed.
पोस्टल सिस्टम में मैंने आपको बताया था कि क्या होता था, इनलाइन लेटर, पोस्टकार्ड्स और एनवलप यूज़ होता था। इनलाइन लेटर में, पोस्टकार्ड में, एनवलप में हम अपना मैसेज लिख देते थे, अपना जो भी थॉट्स लिखना है, जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है, जो भी कंटेंट है वो हम उसमें लिख देते थे। उसके बाद उसको लेटर बॉक्स में डालते हैं। लेटर बॉक्स में डालने के बाद पोस्टमैन आता है, पोस्टमैन वो सारे लेटर्स निकाल लेता है जितने भी पोस्ट उस लेटर बॉक्स में होते हैं, उसको लेके पोस्ट ऑफिस जाएगा। पोस्ट ऑफिस में उसकी सॉर्टिंग होगी अलग अलग सिटी के हिसाब से, उसे स्टेट एंड देन सिटी के हिसाब से उसको अलग अलग कर दिया जाएगा, उसके अलग अलग पैकेटिंग होगी। फिर उसके बाद उसको थ्रू ट्रेन और बस और जो भी मीडियम है उसके थ्रू से उन सिटीज़ में भेजा जाएगा, वहाँ के पोस्ट ऑफिस में हो जाएगा। वहाँ के पोस्ट ऑफिस में फिर से उसकी सॉर्टिंग होगी एरिया वाइज उसको अलग अलग किया जाएगा, जिस एरिया के जितने लेटर्स हैं उनको अलग अलग किया जाएगा। फिर वहाँ के पोस्टमैन उन लेटर्स को लेकर, उस पर्टिकुलर एरिया के पोस्टमैन उन लेटर्स, पोस्टकार्ड्स, इनलाइन लेटर जो भी है उसको लेकर होम डिलीवरी करते हैं, घर तक उसको डिलीवर करते हैं। तो ये पूरा प्रोसीजर होता था एंड इट ऑफन टेक्स लॉट ऑफ टाइम, काफ़ी समय लग जाता था एक लेटर को एक शहर से दूसरे शहर पहुंचने में। ऑलमोस्ट 7-1 week लग जाता था, कभी कभी तो, कभी कभी 1 week से ज़्यादा भी लग जाता था, डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस। और फिर वहाँ से लेटर आए उसमें भी टाइम लगता था, तो काफ़ी टाइम टेकिंग था ये। और पोस्टल सिस्टम से पहले जो किंग लोग के टाइम में क्या होता था, मैसेंजर्स होते थे, वो और टाइम टेकिंग था। मैसेंजर मैसेज लेकर अपने, मतलब फिजिकली वो मैसेज को लेकर दौड़ के जाता था, या हॉर्स से जाता था, या कैमल पे बैठ के जाता था, कैमल राइडिंग करके जाता था दूसरे किंगडम तक मैसेज लेकर। तो वो और ज़्यादा टाइम टेकिंग था, ऑफन 1-2 month लग जाते थे। तो ये सब जो था ये काफ़ी टाइम टेकिंग चीज़ थी। पोस्टल डिपार्टमेंट में एक अगर जल्दी मैसेज भेजना है मान लो किसी को, मैंने बताया ना कि इनलाइन लेटर या पोस्ट कार्ड वगैरह में तो टाइम लग जाता था, ऑलमोस्ट वीक लग जाता था। तो अगर हमें कोई अर्जेंट मैसेज देना हो तब क्या करें, तो उस समय पे होता था एक टेलीग्राम होता था। टेलीग्राम लेकिन काफ़ी एक्सपेंसिव होता था, क्योंकि उसमें पर वर्ड के अकॉर्डिंग पे करना पड़ता था, हर शब्द का, हर वर्ड का पेमेंट करना होता था, तो बहुत महंगा पड़ता था। तो लोग उसको कम से कम वर्ड में अपना मैसेज लिखते थे। और ये कब यूज़ होता था टेलीग्राम, व्हेन इट इज़ वेरी अर्जेंट, जब बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट मैसेज भेजना होता था तो लोग टेलीग्राम यूज़ करते थे, विच इज़ नाउ क्लोज्ड। अब ये टेलीग्राम यूज़ बिल्कुल भी नहीं होता है। ये था पोस्टल डिपार्टमेंट के बारे में। फिर मैंने आपको बताया था टेली कम्युनिकेशन, जिसके अंदर आता है फैक्स, ईमेल्स, मोबाइल फ़ोन, ये सारी चीज़ें जो है, या नॉर्मल जो हमारा टेलीफोन है, टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, फैक्स, ईमेल्स, ये सब टेली कम्युनिकेशन में आता है। और इसने हमारे कम्युनिकेशन को बहुत फास्ट बना दिया है, काफ़ी कन्वीनियंट बना दिया है। मतलब अब अगर हमें किसी से बात करनी है तो हमें सोचना नहीं, तुरंत हम फ़ोन से कॉल लगाते हैं, मोबाइल से कॉल लगाते हैं और झटपट हमारी बात हो जाती है। और नॉर्मल जो हमारा फ़ोन होता है, जो कीपैड वाला फ़ोन होता है, उससे तो तुरंत बात हो जाती है। अगर आपको जिससे बात कर रहे हो उसे आपको देखना भी है, तो एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं हमारे पास, एंड्रॉयड मोबाइल्स हैं जिससे आप वीडियो कॉलिंग कर सकते हो, और जिससे आप बात कर रहे हो उसे आप देख भी सकते हो। पर उसके लिए कंडीशन ये है कि इंटरनेट चाहिए, इंटरनेट फैसिलिटी चाहिए। अदरवाइज सिर्फ बात करना है तो वी हैव मोबाइल फ़ोन्स, टेलीफोन्स, ये सब हैं टू कम्युनिकेट। फैक्स क्या होता है, फैक्स ऑफिशियल पर्पस में यूज़ होता है फॉर रिटन मैसेजेस को एक जगह से दूसरी जगह देने के लिए यूज़ होता है। फैक्स मशीन्स होती हैं, उससे रिटन मैसेज वन प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाता है। ईमेल्स आप फैमिलियर हो ही, कोई भी रिटन डॉक्यूमेंट्स हैं, मैसेजेस हैं, फोटोग्राफ्स हैं, वीडियोज़ हैं, दैट यू कैन सेंड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। जैसे ये लेटर्स होते थे, जैसे ये पोस्ट कार्ड्स होते थे, ये उसी का इलेक्ट्रॉनिक रूप है। आप किसी को लेटर भी लिख सकते हो, चाहे वो ये ईमेल्स फॉर्मल भी हो सकते हैं, इनफॉर्मल भी हो सकते हैं। बिल्कुल आप अपने रिलेटिव को भी मेल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मल जैसे आप लेटर लिखते हो, आप कहीं घूमने फिरने गए हो, आपने वहाँ से मेल कर दिया, अपनी फ़ोटोज़ आपने मेल कर दी वहाँ से, और कुछ साथ में मैसेज भी लिख दिया, दैट दिस कैन बी डन। और ऑफिशियल तो मेल यूज़ होता ही है, आपको पता ही है ईमेल के थ्रू आपके कितने असाइनमेंट्स टीचर्स के पास पहुंचते हैं, है ना। आप अपने असाइनमेंट्स, अपनी नोटबुक का पीडीएफ वगैरह आप ईमेल से भेजते हो। तो ईमेल एक बहुत ही कन्वीनियंट तरीका है टू
कम्युनिकेट. अगेन यहाँ पे एक चीज़ है इंटरनेट. इंटरनेट के थ्रू ही ये पॉसिबल है. कंप्यूटर है उसके भी लिए आपको इंटरनेट चाहिए टू कम्युनिकेट. तो इंटरनेट की वजह से हमारा जो कम्युनिकेशन है वो काफ़ी फास्ट हो गया है, काफ़ी कन्वीनियंट हो गया है. और फिर हमने बात किया था, ये मैं लिख दूँ, पोस्टल हमने बात कर लिया, पोस्टल सिस्टम, टेली कम्युनिकेशन, फिर मैंने आपको बताया था मास कम्युनिकेशन. मास का मतलब मैंने बताया था लार्ज नंबर ऑफ पीपल. इफ़ समबडी वांट्स टू कम्युनिकेट विद लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट द सेम टाइम, दैट इज कॉल्ड मास कम्युनिकेशन एंड इट इज़ पॉसिबल थ्रू टेलीविजन, रेडियो एंड न्यूज़पेपर. कोई भी आप एडवर्टीजमेंट देखते हैं, कोई भी आप न्यूज़ देखते हैं, दैट इज़ मास कम्युनिकेशन. एक अगर प्राइम मिनिस्टर को पूरे कंट्री को कुछ बोलना है तो वो टीवी पे आके अपना मैसेज दे देंगे, टीवी पे आके बोलेंगे, जितने लोग भी टीवी देख रहे होंगे उन सब के पास वो मैसेज एक बार में पहुंच गया. मतलब उन्होंने कम्युनिकेट कर लिया पूरे कंट्री के साथ एक बार में, दैट इज़ मास कम्युनिकेशन. या प्राइम मिनिस्टर ने या चीफ मिनिस्टर ने या फॉर दैट मैटर किसी भी पर्सन ने कोई मैसेज न्यूज़पेपर में डाला, जितने लोगों ने न्यूज़पेपर पढ़ा उन तक वो मैसेज पहुंच गया. इट मींस एक बार में वो मैसेज डाला गया पेपर में और हज़ारों लाखों लोगों ने उस मैसेज को पढ़ा, मतलब वो उनके साथ कम्युनिकेशन हो गया. एक पर्सन का एक टाइम में इतने लोगों के साथ कम्युनिकेशन हो गया. ठीक है, मैंने आपको एग्जांपल दिया था, कोई एडवर्टीजमेंट कंपनी अपने प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट टीवी पे देती है या न्यूज़पेपर पे देती है या रेडियो पे देती है. एक बार अगर वो ऐड आ गया, जितने भी लोगों ने वो ऐड देखा, मतलब उस कंपनी ने सारे लोगों के साथ कम्युनिकेट कर लिया, बता दिया अपने प्रोडक्ट के बारे में, उस कंपनी ने बता दिया. दिस इज़ मास कम्युनिकेशन. फाइनली जो मैं आपसे बात करना चाह रही थी वो था जो मॉडर्न वे ऑफ कम्युनिकेशन है, जिसमें कि है सोशल मीडिया, जो अभी बहुत ही प्रचलित है. जो मॉडर्न वे ऑफ कम्युनिकेशन सोशल मीडिया, जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, ये सारे क्या है, सोशल मीडियाज़ हैं जिसमें आप, जिसके थ्रू आप एक साथ कितने भी लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो. आपने कोई मैसेज फेसबुक पे डाला या ट्विटर पे डाला तो जितने भी लोग उस ट्विटर मैसेज को देखेंगे, फेसबुक पे उस मैसेज को देखेंगे, उनका कम्युनिकेशन हो गया. जितने भी मैसेज पढ़ा, मतलब उस पर्सन का मैसेज पहुंच गया इतने लोगों के साथ. जो वो मैसेज देख रहा वहाँ उन सबके पास वो मैसेज पहुंच गया. ठीक है, सपोज़ मैंने फेसबुक पे लिखा हाय एवरीवन, जितने लोगों ने वो हाय एवरीवन देखा उन सब तक मेरा मैसेज पहुंच गया. ठीक है, सेम इंस्टाग्राम पे अगर मैंने कोई फ़ोटो डाली और नीचे कोई मैसेज डाल दिया, जितने लोगों ने इंस्टा पे वो फ़ोटो देखी, वो मैसेज देखा, उन लोगों के पास मेरा मैसेज पहुंच गया. ठीक है, तो ये सोशल मीडिया जो है ये अभी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है और इसका लोग मिसयूज़ भी करते हैं. ऑफकोर्स कोई भी चीज़ मैंने बताया ना कि अगर उसके एडवांटेजेस हैं तो उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं. तो ये सबसे मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, मास कम्युनिकेशन के लिए भी है. और अगर आपको इंडिविजुअल बात करनी है तो मैसेंजर है ना, मैसेंजर से लोग इंडिविजुअल कम्युनिकेट कर सकते हैं. इन सब के लिए हमें एक चीज़ चाहिए और वो है इंटरनेट. इंटरनेट होगा तो ये सोशल मीडिया आपका वर्क करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा. ठीक है, तो इंटरनेट एक बेसिक रिक्वायरमेंट है फॉर मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. इसके बावजूद पहले हम कहते थे ना कि पहले पोस्टल सिस्टम जो था ना वो चीपेस्ट मीन था, ये चीपेस्ट मीन हुआ करता था. वंस अपॉन अ टाइम, एक टाइम था जब पोस्टल डिपार्टमेंट सबसे सस्ता, सबसे चीपेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन था. लेकिन अब तो सो ये जो मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है ये
फास्टेस्ट एंड चीपेस्ट दोनों हो चुके हैं. ठीक है, मैं इसको इरेज कर रही हूँ. कम्युनिकेशन एंड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन दोनों ही, एंड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हैव चेंज, है ना. पहले ज़माने से लेकर अब तक में आप देख रहे होंगे कि कितना चेंजेस हो चुका है ना. कम्युनिकेशन एंड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हैव चेंज्ड ओवर द टाइम, आई कैन से. धीरे धीरे उसमें कितना बदलाव आया है, है ना. और अब क्या है कि कम्युनिकेशन जो है इज़ फास्टर एंड चीपर देन एवर बिफोर नाउ, या नाउ की जगह टुडे कह सकते हैं. टुडे कम्युनिकेशन इज फास्टर, फास्टर तो है ही है, एंड चीपर, सस्ता भी है. फास्टर एंड चीपर देन एवर बिफोर. ओके, टुडे कम्युनिकेशन इज़ फास्टर एंड चीपर देन एवर बिफोर, मतलब इतना सस्ता और इतना फास्ट पहले कभी नहीं रहा है कम्युनिकेशन अब तक. जितना अभी सस्ता है और जितना अभी फास्ट है, इतना पहले कभी नहीं रहा है कम्युनिकेशन. आप देखो कितने ऐसे कंपनीज हैं जो फ्री टॉक टाइम देते हैं, मतलब अनलिमिटेड टॉक टाइम, चाहे जितने घंटों घंटों बात कीजिए उतने ही रेट में आप रात दिन बात कीजिए, आपको एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे. व्हाट्सएप फ्री में जितना जितना चाहे उतना कर सकते हैं, एसएमएस जितना चाहे उतना कर सकते हैं. तो कितना ज़्यादा सस्ता हो गया है कम्युनिकेशन. फास्ट तो हो ही गया है, नो डाउट, सस्ता भी हो गया है. पहले पोस्टल को हम सस्ता मानते थे, अब ये उससे भी ज़्यादा सस्ता हो चुका है. ठीक है, अब जैसे मैंने बताया मॉडर्न मीन्स में क्या आएगा, आपका मोबाइल हो गया, ईमेल हो गया, उसके बाद मोबाइल्स एंड ईमेल्स ही मान लीजिए. ईमेल्स का मैंने आपको फुल फॉर्म बताया था ना, क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल्स. ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल. फुल फॉर्म ऑफ ईमेल इज इलेक्ट्रॉनिक मेल. और ईमेल बस हमें ज़रूरत किस चीज़ की है, वी नीड इंटरनेट बस. और इंटरनेट भी अब बहुत महंगा नहीं रहा. इंटरनेट अगर है हमारे पास तो हम आसानी से ईमेल सेंड कर सकते हैं. अगर हमारे पास कंप्यूटर है या मोबाइल फ़ोन है और इंटरनेट कनेक्शन है तो हम ईमेल आसानी से भेज सकते हैं. और ये जो मॉडर्न मीन्स हैं, थ्रू दीज मॉडर्न मीन्स वी कैन कम्युनिकेट विद पीपल इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, है ना. थ्रू दीज मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू दिस मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन वी कैन, आई होप ये आ रहा है उसमें, वी कैन कम्युनिकेट विथ, वी कैन कम्युनिकेट विथ पीपल इन एनी पार्ट of the world. ठीक है,
दुनिया के किसी भी कोने में, दुनिया के किसी भी कोने में कोई हो, आप उससे अपने घर बैठे बात कर सकते हो। आप यहाँ बैठे हो अमेरिका, लंदन, नॉर्वे, कहीं भी दूसरे किसी भी कंट्री में किसी भी कोने में कोई पर्सन है, आप उससे कम्युनिकेट कर सकते हो थ्रू द मॉडर्न मीन्स। आपको चाहिए इंटरनेट, दैट्स ऑल। और फ़ोन है, नॉर्मल कीपैड फ़ोन है, तो उससे भी अपने कंट्री में तो आप कहीं भी बात कर सकते हो, है ना। सिर्फ बात ही अगर करनी है तो, वीडियो कॉलिंग करनी है तो इंटरनेट चाहिए। तो ये हुआ हमारा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज की, एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। सो इस चैप्टर के एक्सरसाइज पेज नंबर 66, पेज नंबर 66 है। अब एक्सरसाइज आज शुरू कर लेते हैं। चैप्टर काफ़ी छोटा था इसलिए जल्दी फिनिश हो गया ये। लेट मी इरेज दिस फर्स्ट। चलिए एक्सरसाइज पहला क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट ऑप्शंस। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट ऑप्शंस। ये है आपका फर्स्ट एक्सरसाइज। फर्स्ट वन, मैनी ईयर्स अगो पीपल यूज्ड ब्लैंक एज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। फर्स्ट है मैनी ईयर्स ago people used blank as a means of communication. Communication. आपके options हैं लेटर बॉक्स, बी है पेंसिल बॉक्स, सी है एनिमल्स एंड डी है रेडियो। नाउ दिस इज़ वेरी सिंपल। बहुत साल पहले कम्युनिकेट कैसे किया जाता था, कैसे होता था कम्युनिकेशन, एज एनिमल्स यूज़ होते थे, है ना, पिजन्स यूज़ होते थे। एनिमल्स, मैनी ईयर्स अगो पीपल यूज एनिमल्स एज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, एज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। नेक्स्ट इज नंबर टू, बी fastest means of communication, fastest means of communication is blank. Which is the fastest means of communication? Option hai aapke paas newspaper, बी है टीवी, सी है लेटर एंड डी क्या है मैगजीन। चलिए द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कौन सा है जिससे फटाफट आप कम्युनिकेट कर सकते हो, इट इज
टीवी टेलीविज़न पे फटाफट न्यूज़ आ जाती है, जहाँ कहीं कुछ खबर हुई तुरंत टीवी पे आ जाती है. सो फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इज़ टेलीविज़न. टेलीविज़न इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. नेक्स्ट नंबर 3, टू सेंड अर्जेंट मैसेज पीपल यूज ब्लैंक. क्या यूज करते हैं पीपल? ऑप्शन है आपके ए लेटर, बी न्यूज़पेपर, सी ईमेल एंड डी टेलीग्राम. यस, आपको मैंने बताया था ना, पहले कोई भी अर्जेंट मैसेज देना होता था, कोई भी ऐसा मैसेज जो तुरंत हमें ज़रूरत है, अर्जेंट समझते हो ना, मतलब तुरंत भेजना है, तो लोग पहले क्या यूज़ करते थे? टू सेंड अर्जेंट मैसेज पीपल यूज़ टेलीग्राम. एक्चुअली यूज़ नहीं है, यूज्ड, क्योंकि अब तो कोई भी यूज़ नहीं करता ना टेलीग्राम. टेलीग्राम अब बंद हो चुका, हमेशा के लिए बंद हो चुका है, क्योंकि अब उससे भी फास्टेस्ट मीन आ ही चुका है, मोबाइल है ही है, तो मोबाइल से ज़्यादा फास्टेस्ट क्या होगा. इसीलिए टेलीग्राम अब बंद हो चुका है. और मोबाइल ऐसी चीज़ है कि अब तो गांव में मतलब कितने भी रिमोट एरियाज़ है वहाँ सब जगह टावर्स है, मोबाइल टावर्स लगे हैं. तो मोबाइल हैज़ नाउ बिकम द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. अर्जेंट मैसेज देना है या कैसा भी मैसेज देना है, पीपल यूज़ मोबाइल्स. ये हो गया. अगर आपने इसे नोट कर लिया है तो फिर मैं इसको इरेज कर देती हूँ. नंबर 4, ब्लैंक इज नॉट अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. इज नॉट अ मीन्स ऑफ अब आपको बताना है कि कौन सा वाला मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है. क्वाइट ईजी, आप ऑप्शन देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. पहला क्या है? लेटर. लेटर तो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है ही. टेलीविज़न, टेलीविज़न भी मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन है. सी मैगज़ीन भी मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन है. मैगज़ीन में कुछ भी छाप दो, कुछ भी लिख दो, जितने लोग उसको पढ़ेंगे उन तक वो मैसेज, वो थॉट, वो बात पहुंच जाएगी. इसलिए मैगज़ीन भी मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन है. तो बचा क्या? लास्ट ऑप्शन है कार. कार मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है. कार से बातचीत कर सकते हैं क्या? नो. सो हमारा ऑप्शन है दिस कार. यू विल राइट हियर कार. कार इज नॉट अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो ये हो गए आपके चूज़ द करेक्ट ऑप्शन. चिल्ड्रन, जैसा कि मैं हमेशा आपको एडिशनल एक्सरसाइज भी देती हूँ, लेकिन अब मैं क्या करती हूँ, पहले सारा जो बुक का एक्सरसाइज है वो करवा लेते हैं. बुक में जितनी भी एक्सरसाइज है उसको हम पहले कर लेते हैं, और उसके बाद हम लास्ट में मैं एडिशनल एक्सरसाइज देती हूँ, चाहे वो वन वर्ड आंसर हो, चाहे चूज़ द करेक्ट ऑप्शन हो, ट्रू फॉल्स हो, ये सब आफ्टर डूइंग द एक्सरसाइजेस दैट आर गिवन एट द एंड ऑफ द चैप्टर. तो ये हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज था. सेकेंड है हमारा पिक्चर से रिलेटेड है, जिसमें कि आपको नाम लिखना है. आपको
बॉक्स में नेम्स दिए हुए हैं, बस बहुत ईजी है, नेम्स दिए हुए हैं और पिक्चर के नीचे लिखना है. तो दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो, अगले वीडियो में कर लेंगे. आज की वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं. आज हमने चैप्टर रिवाइज कर लिया, थोड़ा सा सोशल मीडिया के बारे में जान लिया और एक एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली. नाउ जो सेकेंड पार्ट है बी सी डी, दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो. ओके, थैंक यू.